ओके सो हेलो एवरीवन, इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो है कमेंट्स को डिलीट करना और उसे एडिट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं कोड में आता हूँ, राउट्स में, पोस्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्रिएट कमेंट्स को क्रिएट करने का, कमेंट्स को रीड करने का कोड हम लिख चुके हैं। आई चलिए हम लोग अभी एडिट और डिलीट के बारे में देखते हैं। तो मैं कमेंट लिखता हूँ, एडिट अ कमेंट, ओके। और यहाँ पर राउट में बनाता हूँ राउटर डॉट पुट, बिकॉज पुट ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे एडिट के लिए। और मैं यहाँ पर लिखूँगा कमेंट्स कोलन कमेंट आईडी, बिकॉज यहाँ पर मुझे पोस्ट आईडी की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मुझे कमेंट आईडी की ज़रूरत है मॉडिफाई करने के लिए। और मैं यहाँ पर असिंक लगाऊँ और यहाँ पर होगा रेक रेस, ओके। और यहाँ पर मैं कमेंट मॉड्यूल को एक्सेस करूँगा, तो इसलिए मैं यहाँ कमेंट एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसे मैं अवेट करूँगा कमेंट डॉट फाइंड वन एंड अपडेट, राइट, बिकॉज मुझे उसे फाइंड करके अपडेट करना है। तो किसे मुझे यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड के लिए मैं यहाँ पर पास करूँगा अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू अंडरस्कोर आईडी। हम लोगों को कमेंट का आईडी चाहिए होगा यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ परम्स में मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पास करता हूँ रेक डॉट परम्स डॉट आईडी, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को कंटेंट पास करना है कि वो पर्टिकुलर कमेंट में कौन सा नया कंटेंट मुझे ऐड करना है, तो वो मैं रहता हूँ रेक डॉट बॉडी। तो रेक डॉट बॉडी में वो सारा इन्फॉर्मेशन होगा कमेंट के बारे में, तो मैं डायरेक्ट ऐड कर दूँगा। ऑफकोर्स अगर आप रेक डॉट बॉडी में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेंड करोगे तो वो भी आएगा, पर क्योंकि कमेंट मॉडल में हमने कह रखा है कि कौन कौन सा चीज़ें हमें लेनी है, तो वही चीज़ें रहेंगे, बाकी को इग्नोर हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर कंटेंट स्कीमा में स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ सिर्फ रिक्वायर नहीं बल्कि हमें रिक्वायर्ड करना चाहिए, ओके। सो ये स्पेलिंग मिस्टेक था यहाँ पर, ये आप सही कर लें। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर, अभी मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखूँगा जो हमने सेम पोस्ट के कमेंट के ग्रेड पे किया था। तो मैं देता हूँ न्यू इक्वल्स टू ट्रू, बिकॉज मुझे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा। और रन वैलिडेटर्स इक्वल टू ट्रू, बिकॉज वो वैलिडेशन स्किप नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं वो दे रहा हूँ। तो ये सेम चीज़ें हमने पोस्ट के क्रिएशन पर की थी, राइट, और वही सेम चीज़ हम लोग अभी यहाँ कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को अब ये जो कमेंट है इसमें अपडेटेड कमेंट रहेगा, ना कि पुराना वाला, ठीक है। अगर ये नहीं हो गया तो पुराना वाला देगा वो, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर रेस्ट डॉट सेंड करता हूँ, सेंड में वो कमेंट सेंड कर दूँगा, ग्रेट। सो अभी आता हूँ मैं यहाँ पर, ओके, और यू आर एल कमेंट्स में कमेंट कर देता हूँ बिकॉज, ओके। और मैं अभी यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आके मैं इस पोस्ट का स्लैश पोस्ट आईडी और स्लैश कमेंट मैं करूँगा और मैं सेंड करूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है और इस इंडिविजुअल कमेंट का यहाँ पर आईडी है। तो मैं ये कमेंट का आईडी कॉपी कर लेता हूँ और एक नया टैब ओपन करता हूँ, और यहाँ पर जो है बेसिकली ये सी सेम यू आर एल होगा। तो मैं यहाँ पर ये ऑलमोस्ट ऐसे ही यू आर एल होगा, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पर यहाँ पर पोस्ट होगा, पोस्ट आईडी नहीं होगा, मैं इसके आगे ये रिमूव कर देता हूँ। उसके बजाय अब यहाँ देख सकते पोस्ट ऑटोमेटिकली एडेड है, बिकॉज सर्वर और जेएस में हमने पोस्ट ऐड किया था, तो इसलिए वो पोस्ट एडेड है स्लैश कमेंट और कमेंट आईडी। तो इसलिए मैं दूंगा स्लैश कमेंट्स स्लैश कमेंट आईडी, और कमेंट आईडी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ ये पर्टिकुलर कमेंट को, और मैं अभी यहाँ उसे पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ मैं रिक्वेस्ट चेंज करके पुट कर देता हूँ बॉडी रॉ, ये एक एप्लीकेशन जेसन। और यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ कंटेंट, जो यहाँ पर ये जो कंटेंट ऑसम कमेंट टू था, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ऑसम कमेंट टू करके ये कंटेंट है यहाँ पर, तो वो कंटेंट मैं यहाँ पर चेंज करके सिर्फ ऑसम कमेंट एडिटेड करके यहाँ टेक्स्ट लिखता हूँ, और मैं अभी यहाँ पर सेंड करूँगा। जैसे मैं सेंड करूँगा अब यहाँ रिस्पॉन्स आया है, और रिस्पॉन्स होगा ओके। तो ये कह रहा है कि राउट्स ये उसे नहीं मिल रहा है, ओके। सो यहाँ मैंने कमेंट्स दिया है, तो मैं कमेंट को एस को रिमूव कर दूँगा, और अब मैं फिर सेंड करता हूँ, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑपरेशन ज़्यादा परफॉर्म हुआ है। तो अभी यहाँ पर मैं आता हूँ उस राउट में जहाँ पूरा कमेंट लिस्टेड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट का 2A2C का जो कमेंट है, यहाँ पर अभी ऑसम कमेंट एडिटर आना चाहिए, बिकॉज वो चेंज कर दिया है मैंने। तो मैं सेंड करता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कमेंट्स अभी यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी कमेंट को एडिट कर सकते हैं या उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं यहाँ पर, तो वो इजी होगा यहाँ पर। तो मैं लिखता हूँ राउटर डॉट डिलीट, और यही सेम यूआरएल होगा जो हम लोग वहाँ दे रहे थे,
ओके, और यहाँ पर मैं लेता हूँ असिंक, या बिकॉज यहाँ पर भी डेटाबेस में रिक्वेस्ट जाएगा तो इसलिए मैं लेता हूँ रेज एरो फंक्शन। तो यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट कमेंट इक्वल टू अवेट कमेंट फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव, और वो आईडी मैं यहाँ पर पास करूँगा कहाँ से, परम से मिल रहा है तो इसे रेक डॉट परम्स डॉट कमेंट आईडी। ओके, सो अभी अगर फंक्शन बराबर वर्क किया है तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर कमेंट रिमूव हो जाएगा, तो वो मुझे यहाँ पर डेटा चाहिए नहीं किसी वेरिएबल में, तो मैं इसलिए यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर अभी रेस डॉट सेंड, सेंड में मैं सिंपल एक ऑब्जेक्ट सेंड करता हूँ जिसमें एक मैसेज ऑब्जेक्ट होगा, और मैं यहाँ लिखता हूँ कमेंट सक्सेसफुली डिलीटेड। ठीक है, ग्रेट। सो अब ये अगर हमने बराबर लिखा है तो एक ये पर्टिकुलर कमेंट डिलीट हो जाना चाहिए जिसका आईडी हम लोग यहाँ पर पास करेंगे। तो इसी कमेंट का आप यहाँ देख सकते हैं 2L2C, वो हम लोग ने यहाँ पर कॉपी किया है, ये बिकॉज ये URL एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ मुझे यहाँ पर जो मेथड है उसे चेंज करके डिलीट कर देना है। तो अभी मैं यहाँ पर सेंड करूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं मैसेज कमेंट इज़ सक्सेसफुली डिलीटेड, और मैं नया इधर टैब पे आता हूँ जहाँ पर इस पर्टिकुलर पोस्ट का सारा कमेंट यहाँ दिखाई दे रहा था। तो अगर मैं अभी वो कमेंट डिलीट हो चुका है तो यहाँ पर दो कमेंट के बजाय सिर्फ एक ही कमेंट इधर आना चाहिए, तो मैं सेंड करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी वो एक कमेंट डिलीट हो चुका है और यहाँ पर अभी एक ही कमेंट, इसका मतलब कि सक्सेसफुली हम लोग कमेंट को यहाँ से डिलीट कर पाए। ऑलराइट गाइस, तो ये ट्यूटोरियल बस इतना ही, अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, जो भी आपका फीडबैक है, जो भी सजेशन है वो हम लोग पढ़ते हैं और उससे उससे हेल्प मिलता है मुझे ताकि मैं और ज़्यादा बेटर कंटेंट बना सकूँ। और बाय गाइस, मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल मिलता हूँ, बाय।